अंकल, मदीना शरीफ कैसा है? क्या हम भी वहाँ जा सकते हैं? जी बेटा, बिल्कुल। मदीने तैयबा एक ऐसी सरजमीन है जहाँ लोगों के नसीब बुलंद होते हैं, और अगर आप जैसे मासूम और प्यारे बच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करेंगे तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ज़रूर मदीना दिखाएंगे। बाबा, आप हमें मदीने शरीफ के बारे में कुछ बातें बताएं। जी बेटा, बिल्कुल। मैं एक नाज शरीफ के ज़रिए से मदीने तैयबा की यादों को ताज़ा करना चाहता हूँ। याद मदीना में दिन गुजरे, याद मदीना में दिन गुजरे, आंसू पीते बहुत दिन बीते, इस दूरी से तो बेहतर था, इस दूरी से तो बेहतर था, और ना अब हम जीते बहुत दिन बीते, कैसा समा था, कैसी फजा थी, कैसा समा था, कैसी फजा थी, उनका करम था, उनकी अता थी, उनका करम था, उनकी अता थी, शाम सवेरे सब्ज सुनहरे, शाम सवेरे सब्ज सुनहरे, दीद के जाम थे पीते बहुत दिन बीते, याद है अक्सर सारा मंजर, याद है अक्सर सारा मंजर, शाम सहर रात में अक्सर बैठ गए थे बाबे करम पर, जाके गिरे बासीते बहुत दिन बीते, हार गया तू इश्क की बाजी, हार गया बाजी, कैसे अदीब वो होंगे राजी, कैसे अदीब वो होंगे राजी,
फिर से बुला ले तो हम समझें, फिर से बुला ले तो हम समझें, हार के बाजी जीते बहुत दिन बीते, इस दूरी से तो बेहतर था, इस दूरी से तो बेहतर था, और ना अब हम जीते बहुत दिन बीते बहुत दिन बीते बहुत दिन बीते बहुत दिन।